हेलो स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स ऑर्डर पेयर वन फाइव ऑर्डर पेयर टू थ्री एंड ऑर्डर पेयर माइनस टू माइनस इलेवन आर को सो लेट्स सी गिवन इन्फॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन तो हमें क्वेश्चन में, में क्या दे रखा है थ्री uh, पॉइंट्स दे रखे फर्स्ट पॉइंट को हमने ए कह दिया क्योंकि ऑर्डर पेयर वन फाइव है सेकेंड पॉइंट को हमने बी कह दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर पेयर टू थ्री है एंड थर्ड पॉइंट को हमने सी कह दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर पेयर माइनस टू माइनस इलेवन है सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट ए को हमने क्या मान लिया वन फाइव को एक्स वन वाई वन एंड बी टू थ्री को हमने मान लिया क्या एक्स टू वाई टू एंड सी माइनस टू इलेवन को हमने मान लिया क्या एक्स थ्री वाई थ्री और यदि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू जीरो दिखा दिया तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स uh, कैसे हैं कोलिनियर है क्योंकि कोलिनियर होने पे क्या हो गया एक ही लाइन पर होंगे और एक ही लाइन पर थ्री पॉइंट्स होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फॉर्म ही नहीं होगा यहां पर देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एक्चुअली होता क्या है हाफ इन ब्रैकेट कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है एक्स वन इन ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इन ब्रैकेट वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इन ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू है ना अब यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज रख देनी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट एक्स वन के प्लेस पे हमने रख दिया वन एंड वाई टू के प्लेस पे थ्री माइनस वाई थ्री के प्लस पे तो माइनस इलेवन है तो ये प्लस इलेवन हो जाएगा है ना फॉर्मूले में रख दी प्लस एक्स टू के प्लस पे हम टू रखेंगे एंड माइनस इलेवन आ जाएगा वाई थ्री के प्लस पे माइनस वाई वन तो ये फाइव दे रखा है हमें है ना प्लस एक्स थ्री के प्लस पे माइनस टू है तो ये हो जाएगा माइनस टू इन ब्रैकेट वाई वन मीन्स फाइव माइनस वाई टू मीन्स थ्री ओके तो इज इक्वल टू वन अपॉन टू देखिए यहां से कितना हो जाएगा थ्री प्लस एलेवन फोर्टीन इंटू वन दैट इज फोर्टीन और यहां से हम देख पा रहे हैं माइनस इलेवन माइनस फाइव कितना माइनस सिक्सटीन टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थर्टी टू हो जाएगा एंड यहां से देख पा रहे हैं कितना जाएगा माइनस फोर तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वन बाई टू इन ब्रैकेट देखिए एक्चुअली यहाँ से देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा प्लस टेन और प्लस टेन माइनस थर्टी टू जाएगा माइनस में ट्वेंटी टू तो यदि टू से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो अब यदि हमने देख पाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो सो हम यहां पर फाइनली लिखेंगे सो गिवेन पॉइंट्स आर not collinear so this is final explanation of this question I hope you understood by this solution thank you